प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब में हो रही है फ्रांस के हवाले से कि सरकारी इमारात पर जो सरकारी सतह पर हमारे नबी अली सलातो वसलाम के खाके बनाकर उनकी तशहीर और इस अंदाज से खुली दहशतगर्दी और गुस्ताखी की गई और वो मास्टर वो टीचर जिसको वासले जहन्नम किया एक आशिक रसूल ने उसे अवार्ड दिया गया, इस अंदाज से करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिलों को ज़ख्मी किया गया। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हम अपने जिस्म की बोटी बोटी हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कुर्बान कर सकते हैं, मगर आखिरी सांस तक नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हर मुसलमान पैरा देता रहेगा। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं। उन्हें जो अवार्ड दिया गया, अब ऐसे जैसे उसने कोई बड़ा मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया हो। और फिर चंद ममालक की तरफ से ये बात आई, 56 इस्लामी ममालक मुसलमान ममालक, इस हवाले से आप देखें कि अभी तक वो ख्वाबे गफलत से जो है वो बेदार नहीं हो रहे कि यहाँ चंद एक के सिवा यहाँ पर इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो जाए और वो बोल तक नहीं रहे। इस लिहाज से यहाँ पर जो हमारे वज़ीर आज़म ने बयान दिया, खुश आयन तो है, मगर इस हवाले से जो फ्रांसीसी सफीर था उसे तो जूते मारकर बाहर पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए था। वो यहाँ क्या कर रहा है? भरपूर एहतजाज होना चाहिए था। ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना और पाकिस्तान की बुनियादों में 20 लाख मुसलमानों का लहू है और आज उसी मुल्क पाकिस्तान में जो हुकूमत करने वाले हुक्मरान हैं उन्हें तो इसके लिए आखिरी सतह तक जाना चाहिए था, चे जाए कि सिर्फ बयान दे दिया जाए और बस कहा जाए कि यह हक अदा हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं। और अगर ये ना ऐसा किया गया तो फिर ये हालात जो है वो पाकिस्तान के भी खराब होने का खदशा है और फिर पूरी दुनिया में ये तीसरी जंगे अजीम को दावत देने वाली बात है कि एक तरफ अमन अमन की बात हो रही है और दूसरी तरफ हमारे नबी अली सलातु वसलाम की सरेआम तोहीन होती है, खाके बनाए जाते हैं, कार्टून बनाए जाते हैं, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। एक तरफ देखें कि यूरोपियन ममालक उनमें होलोकास्ट पर पाबंदी है, सजाए मौत दी जाती है और उन्हें बोलने की इजाजत तक नहीं, और जब हमारे नबी अली सलातु वसलाम की बात आती है और कहा जाता है ये जमहूरियत है, हम लानत भेजते हैं ऐसी जमहूरियत पर और ऐसा जो है वो ऐसी गुफ्तगू पर और ऐसे माहौल पर कि उनके जो मुकद्दसात हैं उस हवाले से तो सजाए मौत देने तक आ जाते हैं। और इधर जो बात है हमारी नबी अली सलातु वसलाम के खाके बनाए जाएं और फिर यहाँ पर कोई कानून ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है और हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और हम इसका मुतालबा भी कर रहे हैं। फ्रांस से बिल्कुल इस बाइकाट किया जाए और जितने इस्लामिया ममालिक हैं ये भरपूर तरीके से एहतजाज करें और इस अंदाज से जो है रद्द अमल देना चाहिए ताकि आइंदा किसी को जुरत ना हो कि हमारे नबी अली सलातो सलाम की कोई तोहिन कर सके। जहां गुस्ताखियां होती हैं उन्हें तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है और जो उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्हें जो है वो जेलों में और सजाओं में आगे आगे जो है वो हर तरफ असम्बलियों में जाकर जो है करारदादें पास करवाई जाती हैं। ये कितना दोहरा मयार है और क्या ये रियासत मदीना, रियासत मदीना का नाम लेकर ये माजल्ला ये एक दाग दिया जाता है। या तो रियासत मदीना का नाम ना लें या फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे किए जाएं।